मध्य प्रदेश में शिवराज के घोटालों की खुली पोल, प्रदेश की सियासत में बड़ी हलचल, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। आपको बता दें, लोक गायिका नेहा राठौर एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। यूपी के बाद नेहा राठौर ने अब गाया है एमपी में काबा। यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान उनका गाया यूपी में काबा गीत काफी लोकप्रिय हुआ था और इस गीत ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करी थी। अब नेहा सिंह राठौर ने एमपी में काबा का गीत गाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अपने इस गीत के जरिए महालोक के निर्माण में हुई कथित गड़बड़ी, सतपुड़ा भवन की आग, पटवारी भर्ती परीक्षा की गड़बड़ियां सहित दूसरे कई मुद्दों पर हवा दी है। इसी के साथ बता दें आपको कि लेकिन इस वजह से उन्हें कई तरह के मुकदमेबाजी झेलना पड़ा। मध्य प्रदेश में भी उनके खिलाफ इसे लेकर प्रकरण दर्ज हो चुका है, लेकिन नेहा राठौर लगातार सरकारों पर लोक गीतों के जरिए उनके कामकाज पर सवाल खड़े करती रही हैं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना पर भी निशाना साधते हुए बोला कि लाडली बहना को रोजगार दो 1,000 रुपए नहीं। इसी के साथ गाने के अंत में नेहा सिंह राठौर ने विवादित पंक्तियां गाते हुए शिवराज सिंह चौहान की तुलना कंस और शकुनी से की है और उन्हें कलयुग का मामा बताया है। आपको बता दें कि सीधी पेशाब कांड पर विवादित ट्वीट करने के बाद नेहा सिंह राठौर के खिलाफ भोपाल सहित एमपी के कई शहरों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, लेकिन नेहा सिंह राठौर के तेवरों में कोई कमी नहीं आई और अब एमपी में काबा के जरिए उन्होंने सीधे सीधे शिवराज सरकार पर कई सवाल खड़े करने की कोशिश की, जिससे भाजपाइयों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।